Welcome back, my dear friends. Today, we shall study excretion in plants. Plants mein excretion. Hare animals mein, human beings mein, very developed excretory system hai. So, jo nitrogenous compounds khaina hai, lipids khaina hai, proteins khaina hai, carbohydrates khaina hai. पर असा जो उन प्लांट से कंपेयर क्या प्लांट में सिंपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होना है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो तकरीबन मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट की असा के वेस्ट प्रोडक्ट एज कंपेयर टू एनिमल सिंपल मिलता है. अचो पहले एक्सप्लेन क्यों तो एक्सक्रीशन उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स में जरिए प्रोड्यूस अचो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो मेटाबॉलिक वेस्ट उनके रिमूवल थे फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म असा उनके एक्सक्रीशन चला दे. प्लांट में भी ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते जी एनिमल्स में थे तो पर इनमें सिंपल थे तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स केड़ा है. मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स वे केड़ा केड़ा है तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हनन में खास करे हाँ जैसे जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस थे जो फोटोसिंथेसिस थे थी सिंथेसाइज करन पे जो फूड मटेरियल रात जो इनन में रेस्पिरेशन दी थी. रात जो इनन में रेस्पिरेशन दी थी रेस्पिरेशन तो जी ऐसा रेस्पायर करना है ऑक्सीजन चेक इन करना है कार्बन डाइऑक्साइड करना है तो इन नाइट ये प्लांट्स भी रेस्पायर करना है और उन्हें मां मेटाबॉलिक वेस्ट को लेकर तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तो तय जी कर चुना है. और रात जो प्लांट्स ये ना मां निंद्र न करे या वे ना उन्हें जी करें तो रात जी टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर कटना है एक बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस असन जिला नुकसान का साफ है ना सके तकलीफ दी. तो पहले जो मेटाबॉलिक वेस्ट है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड आए जिको रेस्पिरेशन के जरिए थ्रू स्टोमेटा स्टोमेटा के जरिए वो बाहर निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट आए. हालांकि आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना है डीएनए जो ना यूज करना है उनके ही कंज्यूम कर ऑक्सीजन कटना है पर ये रात जे वक्त में वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रखना है. सेकंड है वाटर. और वाटर पूरा है वाटर भी वाटर वेपर ये मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर भी आए खास करे जब गटेशन थी थी खास करे जानते हो गटेशन थी थी इन ह्यूमिड एरिया जिके मेसोफाइटिक प्लांट्स हैं रेनफॉल एरिया में ह्यूमिड एरिया में जिते घिम आए मी हो से तो उते ट्रांसपिरेशन घट थी थे पानी स्टोर थे तो पानी भले कितरो भी फायदेमंद हो जी पर एक्शन ऑफ एवरीथिंग इज बे तो उनन प्लांट में जी हियर असा वट सरे जी मौसम वाले थी घिम घणिया तो घिम घणिया तो पानी प्लांट जी लीव्स में टिप्स ते मार्जिन्स ते सुबह जे वक्त शबनम जे कतरन या इन समय माका या कतरा जे कहन उन जी सूरत में प्रेजेंट होंदा वो शादी जरी निकलदा वो गटे चन जे जरी वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट या वाटर जी सूरत में निकले वो गटे चन हाइड्रेशन टिश्यू जे जरी निकलदा इट इज द सो कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट. इन अ कैन वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स होंदा बिओ द वाटर ड्रिपर जी सूरत में हियर इज अ ड्रॉपलेट जी सूरत में यो यो भी मेटाबॉलिक वेस्ट यो बिओ आई वाटर वेपर इज अ बुखारा जी सूरत में बुखारा जी सूरत में जे फोटोसिंथेसिस थे थी ट्रांसपिरेशन थे थी ट्रांसपिरेशन
एंड सेकंड फोटोसिंथेसिस आए इन बिनी में पानी इवापोरेशन वाटर वेपर जी फॉर्म में गैसेस फॉर्म में निकले तो यो भी बेटा पॉलिक बेस्ड आ इन प्लांट को बाहर निकल दो तो ये प्रॉपर्ली वर्क करना उनके पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन खास कर डे टाइम में डीएनए वक्त है ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करना है बाहर कटाना है यो भी बिल्कुल बेटा पॉलिक बेस्ड आ ये समझो द वेस्ट प्रोडक्ट आ एक्सक्रीशन के जरिए निकले तो ये जो ऑक्सीजन सारे जरिए फोटोसिंथेसिस के जरिए ये बाहर कटाना असान लाइ त कई ऑक्सीजन फायदेमंद आए जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में हसाब में चलता है पर ही प्लांट में ऑक्सीजन ये सब में मेटाबॉलिक वेस्ट आ जो फोटोसिंथेसिस के जरिए बाहर निकल उन्हें आपको मुख्तलिफ प्लांट ये रबर ट्री आए पाइनस आए एकाशा अरबिका आए उनमें मुख्तलिफ लिपिड इकड़ा जने उनके इंजरी थे थी उनन के कटे छियो के वठे छियो या के एनिमल उन के टियर करे छियो तो उनमें एक इंजरी थे थी उन इंजरी में इकड़ा फ्लूइड लिपिड्स निकलता और मुख्तलिफ आए खास कर ये रबर ट्री उनमें लेटेक्स लेटेक्स एक रबर आए खास कर ये मलेशिया इंडोनेशिया में जहां पे ये रबर ट्री प्रेजेंट आए कोई सा उनन में ये सब जो रबर निकले तो लेटेक्स निकले तो रेसेंस फ्लूइड आ जेले पाइनस प्लांट के इंजरी थे थी उन में कुछ फ्लूइड निकले तो असा उन रेसेंस चंदा ने केमिकल सबस्टेंस जो छेला एकाशिया अरबिका या किकर ट्री किकर ट्री उन में गम खोर निकले तो किकर ट्री एकाशिया अरबिका वो खोर भी जो को आता था यूटिलाइज करना था उनमें जने जख्म आती थी तो उनमें खोर निकले तो गम्स निकले तो ये लेटेक्स रेसेंस गम्स भी ये शायद मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो कि प्लांट बॉडी में एक्सक्रीट आउट दी ना है आई टोमेटो वेक्यूल टोमेटो वेक्यूल में जितना कट करना होने का कटिंग ना होने में क्रिस्टल फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट ये सब जो मेटाबॉलिक वेस्ट आ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट आ जो को टोमेटो जे वैक्यूल में प्रेजेंट होगा वो शायद कैल्शियम ऑक्सलेट वो हवे मेटाबॉलिक वेस्ट आ देगा प्लांट में निकल गया लीफ फॉल इन ऑटम सदा ये मुद्दा में लीव फॉल का थे लीव्स गर्म का दिन है सेंट सेंट का जो उन लीव फॉल में शादी कर रहा है ये समझो तो ये किचरो ना थी ये वेस्ट प्रोडक्ट ना थी ये कोई जने शणदा क्रीप पदा दा बरी ब्याव ने लीव ताजा ता ना फटंदा तो लीव फॉल भी एकड़ो ये समझो तो मेटाबॉलिक वेस्ट आ जने प्लांट से इधर ही निकलंदा फिर एक्सक्रीटोफोर एक्सक्रीटोफोर इकड़ा लीव्स इन कने कने ये लो इन कलर लीव होना है फिका थी ना है ए वे फिका थी ना है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट इन लीव उन लीव्स में नाइट्रोजिनस वेस्ट आए वे लीव द फॉल कना अच्छा उन के शायद ना एक्सक्रीटोफोर एक्सक्रीटोफोर लीव्स ए वे लीव्स में उन में मिनरल्स होना है राचे लीव्स उन के द मिनरल तरफ पे जिका सा एग्रीकल्चर स्टाइल यूज करना है द एक्सक्रीटोफोर जिके लीव्स आए ए वे जिके फिका थे ना ना ये समझो एकरो बाहर ये समझ ना है क्लोरोफिल जी लॉस दे करे उन दी डेफिशिएंसी दे करे न क्लोरोफिल जी लॉस दे करे या डेफिशिएंसी दे करे ना पर उन में नाइट्रोजनस कंपाउंड वेस्ट जी के प्रोडक्ट है वो स्टोर थी ना जो तदे वो एक्सक्रीट जो फॉर फॉल करता है येलो इन कलर थी ना जो आखिर जो है इनमें ई बोन ई बोन हाने प्लांट में जाइलम निकलो वाटर सप्लाई का दौर तो प्लांट इतने साल में उन्हें जाइलम दिखे हैं तो देखिए एनुअल रेक छाइन गए बिन साल में तो एनुअल दिन ट्रेन में ट्रे चेन में चार ये बीन साल में बी एनुअल रेक्स तो जिके एनुअल रेक्स पुराने थी वे वे हार्ड ब्लेक थी वे हार्ड ब्लेक वुड थी वे वो भी ये बोनी भी ये समझो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आए जो प्रेजेंट होता है इन प्लांट देखो
हार्ड ब्लैक वुड जाइलम में प्रेजेंट असाइन के इनिशियल मेटाबॉलिक वेस्ट होता तो जो जाइलम में कम होता वाटर सप्लाई करण तो जने ही को ब्लैक वुड थी तो ने तो आई भी तो ना जाइलम जने ग्रोथ करे पर ही को इंपोनिंग द ट्रांसपोर्ट तो करा वाटर के मन वाटर सप्लाई स्टॉप तो करे इन एक्टिव कम जो ही ना है तो असम ने भी सकंदा ने इंपोनिंग इज आल्सो अ मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट तो ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या इन प्लांट्स वन बाय वन तवा के एक्सप्लेन करे बुधाया से मां समझा होता है कि सजो समझ में अच्छी हो तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्लांट्स में केड़ा है ए इन वीडियो के लाइक यू ए खास करे डाउनलोड करे दोस्तों में शेयर करे जो के अदर स्टूडेंट सेंटर दे नथा पढ़ी सके तो सुकून का कर वेट करे ये वीडियो दिसी सके आराम से समझी सके थैंक यू वेरी मच।